अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईद मिलादुन्नबी और सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग फिर भी जुलूस लेके निकल गए हैं। कुछ लोग छाता लेके निकले हैं। ये देखिए मेरा दोस्त बारिक, मैं आपको कैमरा घुमा के जूम करके भी दिखाता हूँ। ये मेरा दोस्त बारिक है। देखिए हम लोग सब जुलूस लेके निकल गए हैं, कुछ लोग छाता लेकर के भी निकले हुए हैं, कुछ लोग भीग भी रहे थे। बारिश अभी तो बारिश कम हो गई है। देखिए बच्चियां भी जुलूस में शामिल हैं, कुछ बच्चियां छाता लेके आई हैं, कुछ बच्चियां भीग भी रही हैं, लेकिन जुलूस मोहम्मदी में पीछे कोई नहीं रहना चाह रहा है। देखिए छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े, बच्चियाँ बच्चे, सारे लोग जोर शोर से जुलूस में शामिल हैं। जब सुबह बारिश होने लगी तो हम लोगों ने सोचा कि शायद जुलूस में ज़्यादा लोग शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन अब देखते जाइए धीरे धीरे लोगों का जज्बा इतना ज़्यादा है कि जुलूस में सब शामिल होते जा रहे हैं और जुलूस इतना ज़्यादा अभी दिखाएंगे। प्लॉट आपको इतना ज़्यादा दिखेगा कि आपको भी पता चलेगा कि तेज बारिश हो रही है, फिर भी लोगों ने जैसा कि मैंने कहा था कि आप देख सकते हैं कितना भीड़ बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। प्लॉट देखिए आप, पूरा मैं पूरा कैमरा घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बारिश भी हुई लेकिन लोगों का जज्बा ज़रा सा भी कम नहीं हुआ, घरों से निकल रहे हैं सब झंडा ले लेके। जुलूसे मोहम्मदी में तो मैं रोड इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं रोड में कितना भीगी हुई है रोड बारिश की वजह से। अपने दोस्त को कैमरा दे, मैं कैमरा अपने दोस्त को दे दे रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक झंडा पकड़ लिया हूँ, इतना ज़्यादा मैं बारिश में भीग गया था कि मुझे रेनकोट पहनना पड़ गया। देखिए मैं हूँ तो रेनकोट पहनना पड़ गया हम लोग को, मैं पूरा भीग गया था बारिश में। गाड़ियों के ऊपर में भी लोग चढ़ के नारा लगा रहे हैं। ये बच्चों का जज्बाहट देखिए, देखिए नारा तकबीर, पूरा नारा बच्चे लोग लगा रहे हैं पूरा।
हमारे गांव के अगल बगल गांव है, वहां के भी लोग जुलूस में आके शामिल हैं, साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियां हैं, अलग अलग गांव के हैं। देख रहे हैं आप कैसे एक जगह सब इकट्ठा हो गए हैं। जितने भी अगल बगल गांव के भी लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं आके, जिससे हमारा जुलूस और ज़्यादा। देखिए बच्चियां भी झंडा पकड़ के घूम रही हैं साथ में, देखिए कितने ज़्यादा जोर शोर से नारा लगाया जा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जुलूस चार नंबर तक जाएगी और चार नंबर से फिर हम लोग घूम के आराकाटा चौक के पास पहुंचेंगे, जहां सब लोग इकट्ठा होकर के दुरूद सलाम और फातिहा वहां पर होगा। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम इस बार हमारी कमेटी की जानिब से की गई है, तो सब लोग वहां पे हम लोग जाएंगे और सब लोग इकट्ठा होकर दुरूद सलाम और सलातो सलाम पढ़ेंगे और फातिहा खानी भी होगी और तबर्रुक के तौर पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे इंतज़ाम की गई हैं। तो जब हम लोग वहाँ से वापस होंगे तो जितने भी अगल बगल गांव के हमारे साथी लोग जो हमारे साथ जुलूस में शामिल हैं, उन लोगों का ज़ोर शोर से हम लोग इस्तकबाल करेंगे वहाँ पे। आप मेरे वीडियो के साथ में बने रहिए। इस बार का जुलूस काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश थी, फिर भी हम लोगों ने जुलूस को निकाला। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि और भी जगहों पर, मतलब आप समझ लीजिए कि झारखंड में लगभग जितने भी गांव हैं सभी जगह जुलूस बारिश की वजह से नहीं रुकी, सभी जगहों में जुलूस से निकला। आप देखिए हम लोग वहां पे पहुंच गए हैं, जहां पे हमें जमा होकर के दुरूद सलाम और फातिहा खानी हमारा होने वाला है। यहां पर देखिए जोर शोर से आके बच्चे आके झंडा लहरा रहे हैं, जज्बात में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लहरा दे रहे हैं। ये यहाँ पे ही हमारा बगल में ही हमारा है टेंट लगा हुआ, जहाँ पे दुरूद सलाम और सलातो सलाम और फातिहा खानी होगा। में तबर्रुक के तौर पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई। देखिए ये हमारा है पंडाल, यहाँ पे सब होगा। तो कुछ ही देर में वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी करें। इस बार का हमारा जुलूस वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।